मेरठ में हुई कुछ ही देर की मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाके जलमग्न कर दिए हैं। इस वक्त मैं मेरठ के सोथीगंज इलाके में हूं और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि देखिए किस तरीके से नाले नालियों का जो गंदा पानी है वो सड़क पर आ गया है। जलभराव की जो स्थिति है वो पैदा हो गई है और लोगों को इसी जलभराव के बीच से होते हुए आना जाना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है। कई ऐसे वाहन हैं कि जो इस जलभराव की वजह से बंद भी हो गए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए इस जलभराव की जो स्थिति है कि यहाँ जो कई दुकानें हैं नाले के किनारे, जो कई दुकानें हैं उन दुकानों में यहाँ पानी घुस आया है। लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के सामने जो तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं वो आ गई हैं और उनका जो काफ़ी सामान है वो भी यहाँ पर ख़राब हो गया है। आप ये देखिए कि कैसे सड़कों पर यहाँ पानी भरा हुआ है, जलभराव है और इस जलभराव के बीच से ही लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। तमाम दिक्कतें, तमाम मुश्किलें उन लोगों के सामने, चूँकि ये गहराई का इलाका है और ये देखिए कि यहाँ पानी नहीं है। लेकिन पास की ही दुकानों में आप ये देखिए कि एक शख्स है जो बाल्टी से अपनी दुकान से पानी निकालते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। ये देखिए इनकी दुकान के अंदर कितनी गंदगी हो गई है। जल भराव की वजह से बारिश आई और सीधा दुकान में पानी चला गया। टेलर का ये काम करते हैं और उनके जो काफ़ी कपड़े हैं, जो पुराना सामान रखा हुआ है वो ख़राब हो गया। और उसके बाद देखिए कि यहाँ जो झाड़ू से और बाल्टी से पानी को निकालने का जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जो दुकान के मालिक हैं वो यहाँ जल भराव के बीच खड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, एक मिनट आप आ जाइए, क्या है, बहुत बुरी दिक्कत है आपके यहाँ तो? हाँ जी, बहुत बुरी दिक्कत है। हाँ जी, हमारी उम्र, मेरी उम्र 50 साल की हो गई, लेकिन जब से हो संभाला हम यही स्थिति देखते आ रहे हैं। अच्छा, ऐसी पानी में काम करना पड़ता है? हाँ जी। अच्छा, हमें तो आदत पड़ चुकी है इस तरह के काम करने की। अच्छा, शिकायत की नगर निगम वगैरह? बहुत, एक दफ़े नहीं, सही दफ़े कर दी, कुछ नहीं हुआ। आ जाइए, आप आ जाइए, एक मिनट आप देखिए, आ जाइए, एक बार आपसे भी बात कर लेता हूँ मैं। हाँ, क्या कह रहे थे, देख रहा हूँ बड़ी दिक्कत में आपकी, पूरी दुकान में पानी घुसा हुआ है। हाँ ना भाई साहब, हर बार बारिश होती है ये परेशानी होती है, कारोबार खत्म हो जाता है, दुकान में अंदर सामान खराब हो जाता है। हाँ। शिकायत करने के बाद कुछ समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कब से दिक्कत में? काफी समय, जब भी बारिश हो जब से ही दिक्कत है। अच्छा, चाहे 10 मिनट बारिश हो या 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, यही समस्या होती है। यही समस्या होती है तो बहुत दिक्कत नहीं हुआ? और भी कई दुकानें, उनमें भी पूरी मार्केट देखो आप जो। अच्छा, क्या कारोबार खत्म हो जाएगा, क्या करेंगे बताइए आप जो? दुकान की गंदगी पहले साफ करेंगे, फिर ताज़े पानी से फिर आके दुकान को धोएंगे। पानी की यहाँ समस्या है, ताज़ा पानी नहीं मिल पाता है, क्या करेंगे बताइए दुकानदार? इसका मतलब ये है कि दुकान बंद करो, अपने घर को चले जाओ। अच्छा, और क्या होगा, ये होगा? अच्छा, दुकान बंद करो और घर को चले जाओ। कई और जो लोग हैं वो देखे कि कुछ लोग यहाँ पर रुक गए हैं, इनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। सर आपसे जानना चाहूँगा, देख रहा हूँ अभी आप भी अपनी दुकान साफ कर रहे थे, क्या है, बारिश होते यही स्थिति बन जाती है क्या? ये मैं अपने बचपन से देखता रहा हूँ, यहाँ का यही हाल है। अभी बीच में यहाँ से पुलिया भी बन गए, पाइप डल गए ऊँचे ऊँचे, लेकिन पानी का निकासी बिल्कुल कम है यहाँ से। जब भी जरा सी बारिश होती है ऐसे पानी भर जाते हैं, यहाँ पर सागर बना हुआ हो, एक तालाब हो, इस तरह से हाल हो जाता है। देख रहा हूँ दर्जनों दुकानें पानी घुसा है उनमें, तो सब में ये हाल है, शुरू से ही हाल है। रोज सफाई होती है, कूड़ा भी सुबह खूब उठता है यहाँ से, लेकिन जो पानी भरने है वो जो झील बनी हुई आगे, पाइप भी डल गए, उसके बाद भी ये हाल है कि दोनों तरफ से पानी रुक के एक जगह भर जाता है। अच्छा, लोग तो दुआ करते हैं बारिश हो जाए, शायद आप कहते होंगे बारिश ना हो? नहीं, हम भी दुआ करते हैं बारिश हो जाए, लेकिन ऐसी हो कि झरने वाली हो, इतनी तेज मूसलाधार बारिश ना हो कि पानी इकट्ठा हो। सोतीगंज की यही शुरू से यही हाल है, 30 साल से 40 साल से, मैं तो यहाँ पे छोटे से इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर यही हाल है। पानी में तो हमेशा बरसात में पानी भरता देखता हूँ। अच्छा, बरसात में पानी भरता हुआ देखते हैं और ये देखिए कि जो थोड़ा थोड़ा पानी उतरना तो शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी कई ऐसी दुकानें हैं और कई ऐसे दुकानदार हैं कि जो इस पानी की वजह से दिक्कतें झेल रहे हैं। बारिश आती है, जल भराव हो जाता है, बारिश तो चली जाती है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिल जाती है, लेकिन सोतीगंज के तमाम ऐसे दुकानदार हैं कि जिनके आगे मुश्किलों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम हमेशा ही लापरवाही बरतता हुआ नज़र आता है और इसका कोई स्थायी समाधान अब तक पिछले कई सालों में नहीं किया गया और इस बात को लेकर यहाँ के लोगों में नगर निगम के खिलाफ काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।